कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। गोरखपुर जिले में रविवार को एक बार फिर 282 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो गई। अब गोरखपुर में मृतकों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। गोरखपुर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9111 हो गई है। अब तक जिन मरीजों का इलाज हो चुका है और अभी भी जिन मरीजों का इलाज होम चल रहा है, होम आइसोलेशन के तहत, उनकी संख्या बढ़कर 6186 हो गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि रविवार को गोरखपुर में जो 282 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनमें सदर क्षेत्र के 144 तो ग्रामीण क्षेत्र में 115 सहित अन्य 23 कोरोना संक्रमित मरीज शामिल हैं। आपको बता दें कि सदर क्षेत्र में जो 144 मरीज पाए गए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 110, गोरखनाथ क्षेत्र में 4, राजघाट क्षेत्र में 6, तिवारीपुर क्षेत्र में 2, कैंट क्षेत्र में 9, कोतवाली क्षेत्र में 8, चिल्वाताल क्षेत्र में 2, गुलरिया क्षेत्र में 3 मरीज पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 115 नए मरीज पाए गए हैं, उनमें बांसगांव क्षेत्र में 2, ब्रह्मपुर क्षेत्र में 4, कैंपियरगंज क्षेत्र में 8, चरगवां क्षेत्र में 11, गघा क्षेत्र में 8, कौड़ीराम क्षेत्र में 7, खजनी क्षेत्र में 6, खोराबार क्षेत्र में 19, पिपरौली क्षेत्र में 4, पिपराई क्षेत्र में 11, सैजनवा क्षेत्र में 4, सरदारनगर क्षेत्र में 8, उरवा क्षेत्र में 6 सहित अन्य 23 मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि जो भी कोरोना के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनके परिजनों की कोरोना जांच कराई जाएगी, साथ ही इलाके को सील कर सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। आगे की विधिक कार्यवाही में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट गई है।